कांग्रेस में कैसे बन सकती है। ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों के जरिए एक बार फिर से हम रुख करते हैं अपने इलेक्शन डेटा रूम का। एक बात जो अब तक सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं किंग मेकर के तौर पर जो दल उभर रहा है वो जेडीएस, जनता दल सेक्युलर। मतलब बहुत साफ कि सत्ता की चाबी इन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के हाथ में रहने वाली है। अब जेडीएस, कांग्रेस 97 है, और अगर जेडीएस और कांग्रेस मिल जाते हैं, जेडीएस जिसके खाते में 37 सीटें जा रही हैं, तो फिर ये आंकड़ा पहुंच जाता है 134 पर। 97 जमा 37, 134, मतलब बहुमत के आंकड़े से करीब 22 ज्यादा। तो बहुत आसानी से कांग्रेस और जेडीएस मिलकर कर्नाटक के अंदर सरकार बना सकते हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन जो हमने आपको बताया, कांग्रेस और जेडीएस साथ आ जाएं, कांग्रेस के साथ जेडीएस अगर गई तो सरकार बन जाएगी। जेडीएस के साथ अगर कांग्रेस जाती है तो फिर सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे माफी चाहूंगी कि जहां पर जेडीएस लिखा जाना चाहिए था वहां उस पिटारे के सामने बीजेपी लिखा था, ये एक गलती हमसे हो गई है, इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। लेकिन फिलहाल कॉम्बिनेशन ये निकल रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ जेडीएस जाती है तो फिर आंकड़ा जो है वो 134 पर पहुंचता है और बहुमत से 22 ज्यादा का ये आंकड़ा, मतलब आराम से सरकार बना लेंगे कांग्रेस और जेडीएस मिलकर। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, क्योंकि सत्ता की चाबी जो है वो जेडीएस के हाथ में है। ऐसे में जेडीएस पर डोरे डालने की हमने देखा किस तरीके से बीजेपी की तरफ से कोशिश भी की गई है। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस साथ आते हैं, माफ कीजिएगा, अगर बीजेपी और जेडीएस साथ आते हैं तो जो एक कॉम्बिनेशन सामने निकल कर आएगा वो क्या तस्वीर उभरेगी, इसके लिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हम। आपको बता देते हैं यहां से कि अगर कांग्रेस के साथ जेडीएस गई तो फिर सरकार बन जाएगी। कांग्रेस 97, जेडीएस 37, ये आंकड़ा पहुंच जाता है 134 पर। और बीजेपी के साथ अगर जेडीएस गई तो भी सरकार बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी 84, जेडीएस 37, मतलब 121 का ये आंकड़ा, तब भी बहुमत से 9 ज्यादा का ये आंकड़ा, 121 हो जाएगा, 9 ज्यादा बहुमत से। एक तस्वीर ये भी उभर जाएगी, ये देखिए बीजेपी और जेडीएस साथ तो फिर आंकड़ा 121 पर पहुंचेगा, बहुमत से 9 ज्यादा। तो ये दो कॉम्बिनेशंस, ये दो समीकरण जिसके जरिए कर्नाटक के अंदर सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन बड़ी बात जो उभर कर सामने आ रही है वो ये कि सत्ता की चाबी जिस जेडीएस की मुट्ठी में है, आखिरकार वो जेडीएस जाएगी किसके साथ, कांग्रेस या बीजेपी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।